हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू रैप सेशंस के अंदर पूछे गए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन आंसर्स थे मेरे म्यूज़िक से रिलेटेड, पर मैं उनके आंसर्स इसमें नहीं दूंगा ना क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। मेन ध्यान रहेगा हाउ टू रैप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मुझे, उनके बारे में ही बात करूंगा। और ये क्वेश्चन आंसर्स मुझे छोटे आंसर्स देने वाले लगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो के अंदर बनाने का सोचा। इसके अंदर मैं 4-5 क्वेश्चंस क्लियर करूंगा जो मुझे लगते हैं ठीक। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रैप के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो आजकल पूछे जा रहे हैं, और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बाकी वीडियो से थोड़ी अलग है। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है ओल्ड स्कूल के बारे में। ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल के बारे में बताने को कहा गया है कि ओल्ड स्कूल म्यूज़िक क्या है और न्यू स्कूल म्यूज़िक क्या है हमारे हिप हॉप सीन के अंदर। ओल्ड स्कूल म्यूज़िक जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इसको पूरा डिफ़ाइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पैदा ओल्ड स्कूल में हुआ हूँ, एक तरह से ओल्ड जनरेशन में हुआ हूँ 90s के दायरे में। पर अभी जो म्यूज़िक का मैं काम कर रहा हूँ न्यू स्कूल में कर रहा हूँ, मीन्स 21st सेंचुरीज के अंदर, और ये 20 का सेंचुरी चल रहा है और 2018 चल रहा है। तो इसके अंदर आप समझ सकते हो कितना गैप है। तो अगर मैं वहाँ पे म्यूज़िक का काम कर रहा होता तो मैं आपको कुछ ज़्यादा गाइड कर पाता, पर मैं जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है और जो चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ, ओल्ड स्कूल म्यूज़िक ये है कि ओल्ड स्कूल म्यूज़िक के अंदर जो रैप चलता था पहले हमारे हिप हॉप के, उसके अंदर हमारे डॉक्टर ड्रे, 50 सेंट या स्नूप डॉग, बिगी, टूपाक, इनके रैप सुने जाते थे, वो बहुत पॉपुलर भी होते थे। अब उन लोगों के रैप थोड़े कम हैं, और न्यू स्कूल के अंदर जो जनरेशन आई है उनका दिमाग थोड़ा वॉश है, तो वो लोग एक रियल टॉपिक को ना सुनकर न्यू स्कूल हिप हॉप को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनके अंदर ज़्यादा सेंस वाली बात नहीं कही गई होती, सिर्फ एक म्यूजिशियन के द्वारा और थोड़ा म्यूज़िक के साथ हेर फेर करके और अपना एक एंटरटेनमेंट टाइप सॉन्ग्स बनाए जाते हैं, जो कि हिप हॉप का टेस्ट घुसा कर, मीन्स आप हिप हॉप को यूज़ कर रहे हो पर वो एक सही पर्पस पे नहीं कर रहे हो, आप एक अच्छा सॉन्ग नहीं बना रहे हो, अच्छा सॉन्ग के बजाय आप ऑडियंस गेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो जहाँ पर पहले फ़ैन बेस तैयार किया जाता था 90s के टाइम में, आज ऑडियंस को जोर लगाया जा रहा है कि हमें सिर्फ ऑडियंस चाहिए, फ़ैन बेस तो बाद में बनेगा। ये फ़र्क है ओल्ड स्कूल में और न्यू स्कूल में। तो न्यू स्कूल में आजकल एमिनेम भी आप देख सकते हो, उनके गाने भी पुराने कैसे थे और नए कैसे हैं। और अभी न्यू स्कूल के अंदर जैसे 69, जिसका तुमने एक वोबला सॉन्ग है जिसमें मतलब आजकल बड़ा चल रहा था, अभी मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा सॉन्ग था जो कि बहुत ज़्यादा चला था, वो लाल पीले से बाल कर रखे बंदे ने, नाम मेरे को याद नहीं है। तो उस तरह के सॉन्ग हो गए, या पोस्ट मेलन के सॉन्ग हो गए, या 21 सैवेज के सॉन्ग हो गए, ये सब बिल्कुल न्यू स्कूल में आ जाते हैं। तो ये सॉन्ग्स इन कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। उसी तरह हमारे इंडिया में भी है थोड़ा, हमारे पुराने सॉन्ग्स को क्लासिक म्यूज़िक कहा जाता है, जैसे कि ओल्ड इज़ गोल्ड। तो और हमारे जो न्यू म्यूज़िक है उनको ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जाता, क्योंकि पुराने सॉन्ग को आजकल रीमेक कर करके आगे निकाली जा रहे हैं, तो ये डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन है, सर आप फ्लो कैसे लाते हो और बीट भी? अब मैं बता देता हूँ मेरा ये बीट का और फ्लो का क्या सीन है। फ्लो तो आपको लिरिकली उस बीट के ऊपर सेट करना पड़ेगा जब आप अपने रैप को परफॉर्म कर रहे होते हो, और अपने को लिखने पे भी ध्यान देना पड़ता है कि अपना फ्लो कैसे आपको बनाना है। और जो बीट की बात है, वो बीट का सीन ऐसे है कि जब मैं स्टार्टिंग में रैप करता था अभी से 3-4 साल पहले, तो म्यूज़िक मैं नेट से लेता था मैं भी। जब कॉपीराइट का सीन ज़्यादा होने लगा तो मैंने भी कम कर दिया म्यूज़िक लेना, और जहाँ तक होती है कोशिश मैं अपना ही म्यूज़िक कोशिश करता हूँ कि जिसमें कॉपीराइट ना आए। अगर कोई ऐसा सीन होता भी है कॉपीराइट का या नेट से मैंने म्यूज़िक लिया होता, तो उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, उसकी कटिंग्स करता हूँ, और साथ ही उस आर्टिस्ट का क्रेडिट भी डालता हूँ जिसका वो म्यूज़िक है, और फिर मैं यूज़ करता हूँ। तो कॉपीराइट आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद इंसान मान भी जाता है, बाकी कॉपीराइट काफ़ी हद तक नहीं आता अगर आप उसको थोड़ा सा ढंग से मॉडिफाई करके उसका यूज़ लें। तो कुछ लोगों का ये भी सवाल था कि जो आपने माइक के आगे इस तरह लगा रखा है, ये चीज़ जो आप देख रहे हो जाली की तरह, ये केप जाला सा बना हुआ, जैसे मकड़ी टाइप भी कह सकते हो, स्पाइडर, तो ये जो चीज़ है ये क्या बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका,
इसका क्वेश्चन था। तो इसको बोलते हैं शॉक माउंट। शॉक माउंट बोलते हैं इसलिए क्योंकि इसके अंदर मान लो आपका कोई झटका लगता है, शॉक लगता है, आपका हाथ से कुछ भी झटका लग जाता है, तो ये क्या होता है, इस ये उस फ्रिक्वेंसीज को रोकने के काम करता है ताकि आप जब आप कोई गा रहे हो तो वो आवाज़ आपके झटके वाली आवाज़ वो आपके माइक में ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं माइक के ऊपर अपनी उंगली टच करूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी, और यही दूसरी साइड में टच करूँ तो शायद आपको डिफरेंस दिखा हो। अभी तो मैंने हेडफोन नहीं लगाए, मुझे नहीं पता, पर जो भी होगा रिस्पॉन्स आपको पता लग जाएगा, पर फ़र्क होता है। ये है मतलब शॉक माउंट का फ़ायदा। एक ये क्वेश्चन भी बहुत था मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के बारे में। तो मोबाइल से रिकॉर्डिंग करने के बारे में तो यार मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो जाएगी रिकॉर्डिंग, पर यार वो क्वालिटी वाली रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो मैं उसको प्रेफर नहीं करता कि मोबाइल वाली रिकॉर्डिंग में मैं रिकॉर्ड करूँ। मैं खुद यार सॉन्ग्स क्वालिटी अच्छी बनाना चाहता हूँ तो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड क्यों करूँगा, या आपको भी मैं सजेशन नहीं दूंगा कि आप मोबाइल पे ज़्यादा जोर मारें, क्वालिटी पे ध्यान दें, क्योंकि क्वालिटी रहेगी तभी आप अच्छे सिस्टम्स के अंदर प्ले कर सकते हो। और एक और भी क्वेश्चन था इससे रिलेटेड कि होम स्टूडियो सेटअप की एक और वीडियो बनाएं जिसके अंदर और थोड़ा डिटेल में बताएं। तो अभी कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं और उम्मीद है मेरे पास और प्रोडक्ट्स आएंगे, तो मैं उनका थोड़ा रिव्यू करूँगा और फिर मैं आपको बताऊंगा और थोड़ा अनबॉक्स करके बताऊंगा कि ये क्या फ़ायदेमंद है या नहीं। और मैं आने वाले टाइम में दो वीडियोस ऐसी बनाऊंगा जिसके अंदर लो बजट की वीडियो होगी और एक होगी थोड़ी और प्रोफेशनल बजट की, और क्या फ़र्क होता है ये सब के अंदर। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि मेरे पास क्यूबेस 5 है, उनके सारे प्लगइन्स मेरे पास नहीं आ रहे सॉफ्टवेयर में, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं हो सकता, दो कारण हो सकते हैं मेरे हिसाब से। एक कि आपने सिस्टम के अंदर उसको रिफ़्रेश नहीं किया होगा, अपने प्लगइन्स को अपडेट कर लो कनेक्शंस में जाके, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपने जो प्लगइन्स जो यूज़ कर रहे हो वो आपने सी ड्राइव के अंदर क्यूबेस के फोल्डर में जहाँ प्लगइन का सेक्शन है वहाँ पर नहीं पेस्ट किया हो। जब आप वहाँ पर पेस्ट करोगे तभी आपको वो प्लगइन वहाँ पर शो होंगे। एक क्वेश्चन भाई का ये भी है कि क्या यूएस उसका पिन चेंज हो सकता है, मतलब कि ये वीडियो एक्सएलआर वीडियो के ऊपर है, एक्सएलआर माइक वाले में, तो वहाँ पर पिन की बात की गई है कि हाँ भाई पिन चेंज हो सकता है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, एक्सएलआर से 3.5 में कन्वर्ट कर सकते हो, मेल टू फीमेल से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपका TRS केबल है TRS से आप XLR में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और XLR से आप TRS में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और इनपुट और आउटपुट दोनों बदल सकते हो। इनपुट में जो आपको ठीक लगता है वो लगा सकते हो, चाहे XLR लगा लो चाहे TRS लगा लो, और TRS में इनपुट दो या चाहे वहाँ पे इनपुट दो, दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं और इसमें बदलाव किया जा सकते हैं, और 3.5 वाला जैक भी लग जाता है, और वो डिपेंड करता है आपको मिलेगा कहाँ पे। कई बार हमें अमेज़ॉन पे मिल जाता है, कई बार नहीं भी मिलता, या आप कोई केबल्स बनवाना चाहते हो तो अच्छी खासी दुकानें होती है हर एक शहर के अंदर, तो आप डीजे मार्केट या तो डीजे शॉप होगी वहाँ से आप पता कर सकते हो, जहाँ पे डीजे का सामान मिलता है वहाँ पर ये वायर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि ये खास वायर वहीं ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, आपको आम दुकानों के ऊपर नहीं मिलेगी, वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। क्वेश्चन है सर वर्स क्या होता है प्लीज़ बताएँ। भाई वर्स होता है हमारे रैप का पार्ट जहाँ पे आप रैप करते हो, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया 16 लाइंस एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ एवरेज 16 लाइंस आप यूज़ करते हो, तो वो 16 लाइंस जो यूज़ करते हो वो आपका वर्स है। उसके बाद हुक लाइन होती है, हुक लाइन में होता है आपका जो इंपॉर्टेंट लाइंस होती है जो टाइटल होता है उसे आप हुक लाइन बोलते हो या कोरस भी बोल सकते हो। और ये वर्स ज़रूरी नहीं है कि हमारे रैप में ही इस्तेमाल होता है, कोई भी सॉन्ग हो, कोई भी हिंदी सॉन्ग हो, पंजाबी सॉन्ग हो, इंग्लिश सॉन्ग हो, सॉन्ग्स के अंदर भी वो वर्स भी उसको वर्स ही बोलते हैं जब गाने का पार्ट चलता है, जब गाने की हुक लाइन आती है तो उसे हुक लाइन बोलते हैं, और हुक लाइन होती है हमारे गाने का टाइटल जो कि सभी अपने गानों का नाम रखते हैं वो चीज़। भाई आप क्यों नहीं एल्बम रिलीज़ करते? भाई एक्चुअली सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले एल्बम ही बनाई थी, जो कि एल्बम मुझे उस वक्त नहीं पता था कि ऑडियंस ग्रो करनी पड़ेगी उसके बाद मुझे एल्बम निकालनी चाहिए तब मुझे बेनिफिट होगा। उस वक्त मैं नया नया था, फ्रेश था, सॉन्ग्स पड़े हुए थे और मैंने वो निकाल दिए सभी एक साथ सॉन्ग्स, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। बाद में फ़ायदा हुआ, कुछ गाने अच्छे भी रहे और कुछ गाने अच्छे नहीं थे, तो उस वक्त से सीखते सीखते फिर आगे आगे एक्सपीरियंस मिलता गया और मैं इम्प्रूव करता गया। तो अब मैं एल्बम तो तभी भी निकालूंगा जब मुझे लगेगा कि ऑडियंस अच्छी खासी बिल्ट हो गई है।
एक क्वेश्चन है भाई, आप पहले रैप बनाते हो या पहले म्यूज़िक बनाते हो? मैं ये क्वेश्चन भी क्लियर कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर, पर फिर भी इसको थोड़ा और अलग तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं रैप का आइडिया सोचता हूँ कि क्या बनाना है। उस वक्त मैं एक या दो लाइन अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि बनाऊँगा तो ऐसा कुछ बनाऊँगा। उसके बाद मैं कोई म्यूज़िक बीट्स ढूँढ लेता हूँ अगर मिल जाती है, अगर नहीं मिलती तो किसी भी घिसी पिटी बीट्स के ऊपर एक ड्रम किट के ऊपर जिसमें कोई ज़्यादा साउंड नहीं है उसके ऊपर मैं गाने की कोशिश करता हूँ, कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ। और जैसे जैसे मुझे याद आता रहता है मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद कोई भी बीट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बीट होगी तो ही लिखूँगा मैं, फिर मुझे एक आइडिया आ जाता है, मैं एक स्टार्टिंग ले लेता हूँ, लिखता रहता हूँ। उसके बाद मैं बीट्स भी बदल लेता हूँ, डिपेंड करता है सॉन्ग के ऊपर, हर वक्त नहीं बदलता। उसके बाद मैं उससे मिलता जुलता म्यूज़िक बनाता हूँ एक आइडिया लेकर, या बनवाता हूँ या नेट से कहीं पर भी ढूंढ के निकालता हूँ। उसके बाद मैं उस पर रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद फिनिश करता हूँ। तो इस तरह ये प्रोसीजर चलता है। तो ये समझ लो कि आपको रिकॉर्डिंग करने से पहले आपका म्यूज़िक रेडी होना चाहिए, तब आप अपने म्यूज़िक के ऊपर गाओगे फिर एडिटिंग होगी। ऐसा मत सोचना कि भाई पहले गा दूंगा उसके बाद उसको सुन के म्यूज़िक लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको म्यूज़िक सुन के गाना है, उसके ऊपर आपको परफॉर्म करना है। एक क्वेश्चन था क्लाउड रैप के बारे में। तो क्लाउड रैप तो मैं नहीं कह सकता क्लाउड रैप, उसको क्लाउड म्यूज़िक थोड़ा मैं कह सकता हूँ कि क्लाउड म्यूज़िक हो जाता है, क्योंकि क्लाउड म्यूज़िक वैसा होता है थोड़ा सा बिल्कुल जैसे एक एक आवाज़ चल रही है और वो बिल्कुल दूर हॉल से बैकग्राउंड के अंदर गूंज रही है वो आवाज़ एक तरह समझ लो आसमान के अंदर बादलों में गूंजने जैसी होती है, उस टाइप की साउंड्स को हम बोलते हैं क्लाउड। तो क्लाउड एक नाम से ही दर्शाया जाता है कि ये आसमान वाली चीज़ होगी, और म्यूज़िक भी इसमें ऐसे ही कुछ होता है। जब आप हेडफोन्स में सुनते हो तो क्लाउड वाला साउंड काफ़ी सॉन्ग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, बहुत सॉन्ग्स के अंदर क्लाउड साउंड एक पीछे ने एक पैड की तरह लगाया जाता है पूरे म्यूज़िक के नीचे, ताकि वो पूरे गाने को बैलेंस करके एक घोल दे पूरे सॉन्ग्स को। तो वो जो क्लाउड साउंड होती है उसी से मिलके क्लाउड रैप जैसा टेस्ट पैदा हो रहा है। जिस तरह की म्यूज़िक है ट्रैप, उस तरह से आर्टिस्ट भी ट्रैप कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैप जैसा साउंड निकाल रहे हैं। उसी तरह रैप म्यूज़िक है तो रैप के ऊपर रैप कर रहे हैं, वो तो अलग चीज़ होगी। पर आज के टाइम में म्यूज़िक के साथ चलते हुए जो म्यूज़िक के ऊपर काम होता है उसी में नाम भी वैसे ही जुड़ जाता है लिरिकली का। चाहे आप म्यूज़िक हिप हॉप जैसा है तो रैप म्यूज़िक, ट्रैप जैसा म्यूज़िक है तो बोल दिया कि ट्रैप रैप कर रहा है, या आप समझ लो डब स्टेप के ऊपर आप कोई गाओगे तो गाया नहीं जाएगा, पर आपको म्यूज़िकली उसके अंदर आप ब्रेक्स डाल के कटिंग करके उसमें सेटिंग कर सकते हो अपने वोकल्स की। तो वो जो चॉपिंग लगाई जाती है उसको चॉपिंग बोलते हैं, तो वो जो चॉपिंग्स लगाई जाती है वो सब म्यूज़िक में जुड़ती है। तो इस तरह नाम बदलते रहते हैं। हालांकि रैप के अंदर और ट्रैप के अंदर थोड़ा डिफरेंस अलग है। ट्रैप में थोड़ा सा एक टेस्ट भी पैदा हो चुका है आज के टाइम में कि जब हम ट्रैप म्यूज़िक के ऊपर रैप करते हैं तो हमारा फ्लो बदल जाता है, क्योंकि रैप का BPM कुछ और है, मतलब बीट पर मिनट कुछ और है, और ट्रैप म्यूज़िक का बीट BPM कुछ और है, इसलिए थोड़ा साउंड डिफरेंस पता लगता है कि ये रैप कर रहा है और ये ट्रैप कर रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि पोस्ट मेलन के सॉन्ग्स, उनका BPM अलग होता है, 21 सैवेज का जो बीट्स है उसका अलग होता है, ये सब डिफरेंस है इसके अंदर। और शॉर्ट के अंदर मैंने ये सारी बात क्लियर की है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ठीक लगी होगी वीडियो और क्वेश्चंस थोड़े से क्लियर हो गए होंगे। और इस तरह की और वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूँगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे और जय हिंद। 216x4 पे खड़ा मैं बना शायर, मजबूर यहाँ रोकती कोई नहीं कायर, मशीन जैसे काम करे दिमाग पे डायर, एम्पायर जैसे बातें करना जीना चाहूँ फायर। टायर की तरह कुछ रैपर है गोल, जो घिसे हुए हैं उनके फटे हुए बोल, इनको कॉल नहीं आती उल्टा मारे मिस कॉल, असलियत ये।